सो हैलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं मैहर। मैहर मतलब एमपी में है। यहाँ पर हमारी माता जी दुर्गा माता जी का मंदिर है। तो हम यहाँ आए दर्शन करने के लिए। तो अभी आ चुके हैं मैहर स्टेशन, जो पीछे दिख रहा होगा अभी बना है, रिनोवेट हुआ है। मतलब बना तो बहुत पहले से है, अभी रिनोवेट हुआ है। तो अब यहाँ से ऑटो ऑटो देखते हैं और मंदिर चलते हैं, और आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। तो चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ आते ही से ऑटो वाले भैया हमसे बोलने लगते हैं कि चलो मंदिर तक छोड़ देते हैं, मगर ऑटो वाले भैया के पास ना जा पर थोड़ा बाहर जाकर ऑटो देखें, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा रेट होगा, इसलिए बाहर चलकर रेट देखते हैं क्या कैसा क्या है ऑटो का। यार रेपिडो भी नहीं चलता यहाँ पर, तो ऑटो देखने ही पड़ेंगे ऑफलाइन। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं ऐसा कुछ। पीछे से स्टेशन है, देख लीजिए, बहुत बढ़िया सा है, साफ़ सुथरा सा है। और ये यूपी की बॉर्डर है यहाँ पर, मतलब यूपी की बॉर्डर लग जाती है इसके बाद से। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं ऑटो ऑटो दिखते हैं कि नहीं। दिख रहा होगा मैहर का बोर्ड पीछे। तो भाई अभी भैया ने बताया हमें कि यहाँ से कितनी दूर है मैहर। लास्ट रोप वे सीढ़ी तक 6 किलोमीटर। रोप वे का खर्चा कितना आता है? 150। 150 रुपये? मतलब ऑनलाइन बुकिंग तो नहीं करनी पड़ती उसकी? नहीं, तुरंत हो जाता है ना, भीड़ तो नहीं रहती ज़्यादा। तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सुबह वहाँ आए थे, बहुत अच्छा बना लिया हमारे सामने इमेज कि हम उनके साथ जाएंगे, मगर उन्हें नहीं पता है ऐसे बहुत ऑटो वाले घूम रहे हैं आजकल के नल्ले बेरोजगार, ऑटो वाले छपरी नल्ले। तो उसी के साथ भी जा सकते हैं हम, जो कम में लेके जाएगा उसी के साथ जाएंगे। सस्ता मिलना चाहिए, बहुत कितने का मिलता है? 2000। तो 20 का दिया है यहाँ पे मैंने खाया भी। तो हाँ भाई, सभी थोड़ा सा नाश्ता करने आए हैं यहाँ। ऑटो वाले भैया कमीशन है थोड़ा सा यहाँ पे, तो उन्होंने हमें यहाँ पे लेके आए हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे पोहा भी मिलता है। तो पोहा खाते हैं, किन खाएगा पोहा? पोहा खाते हैं, फिर दिखाते हैं आगे की क्या कहानी है। तो गाइस कल लिया नाश्ता, तो बैठते हैं ऑटो में और फिर निकलते हैं मैहर के लिए वापस से। तो बैठते हैं भैया। हाँ, एटीएम का है पास में, मैहर मिल जाएगा ना एटीएम? क्यों भैया? आजकल सब फोन पे चलाते हैं, हो जाएगा ना फोन पे, हर जगह फोन पे। अरे ऊपर ना मैहर में भी नेटवर्क भी मिलते हैं वहाँ, तो बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट हो गया, बहुत ही स्मार्ट चल रहा है यहाँ। छलकनपुर नाम सुना कि नहीं आप? छलकनपुर वहाँ पे नहीं चलता, और वहाँ पे वीडियो से माई है हमारी, वहाँ पे नहीं चलता ज़्यादा। बाहर भी लोग ज़्यादा आते ना, यूपी की ऑर्डर लग जाती है यहाँ से। हाँ वही वही चक्कर में। तो गाइस यहाँ पे मतलब आ चुके हैं बस स्टैंड पे, अब यहाँ से लेते हैं प्रसाद प्रसाद, फिर ऊपर जाते हैं, फिर दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। फिर यहाँ से प्रसाद लेते हैं, फिर चलते हैं आगे और फिर दिखाते हैं कैसा क्या है।
तो गाइस ले लिया प्रसाद, यहाँ पर पॉलिथीन का उपयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये चुन्नी में बांध कर प्रसाद देते हैं और बहुत अच्छा लगा ये कि पॉलिथीन फ्री है यहाँ पर। और अभी ऊपर जाते हैं क्योंकि यहाँ से ऑटो नहीं जाते हैं, तो दूसरी वैन से जाएंगे और वहाँ से फिर देखते हैं कैसा, रूपवे से जाते हैं कि पैदल जाते हैं और फिर ऊपर जाकर दिखाते हैं कैसा क्या रहेगा। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो गाइस अब ऑटो के बाद बैठेंगे वैन में। अब वैन आ चुकी, बैठते हैं। भैया इसमें समोसे रखे? अच्छा भैया कहीं मैं आ रहा हूँ खास रख लेंगे, गरम गरम आ रही है। भैया ने मालिक गरम गरम समोसे ला के रखे थे मगर भैया दे नहीं रहे, बोल रहे तुम दो में कुछ नहीं होगा तुम्हारा, पाँच छः लगेंगे तुमको। तो चलते हैं गाइस फिर मिलते हैं ऊपर ही। ये तो कपड़े गंदे हुए हैं। ओमनी देखी कि नहीं आपने? ऐसी होती है ओमनी, देख रही है उसमें बहुत ही अच्छी चीज चलती, बहुत तेज चलती है और ऑफ रोडिंग तो कतई जहर करती है। अभी थोड़ा बातचीत करेंगे भैया से, आने थोड़ी जानकारी लेते हैं कैसा क्या रहेगा ऊपर का। तो थोड़ा देखो, एंजॉय करो ब्लॉग को और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना, सब्सक्राइब कर लेना साथ में। आ गए भैया। भैया ऊपर मोबाइल वाइल चलाने देते कि नहीं? सब कुछ चलाने, फोटो बस नहीं खींचने देते। अच्छा अंदर मंदिर के ना? हाँ फोटो नहीं खींचने। यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा भैया? यहाँ से 5 किलोमीटर मंदिर ऊपर तक, उसे तो 1 किलोमीटर है रोड पे, मतलब मंदिर ऊपर तक। अच्छा अच्छा, रुपए चार्ज कितना लेता? 150 रुपए आने जाने का। अच्छा अभी भीड़ है कि नहीं? हाँ थोड़ा बहुत तो है, देखिए बात संडे छुट्टी के दिन है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। भैया ने हमें बहुत अच्छा बता दिया कि हम मतलब परेशान नहीं होंगे, अब डायरेक्ट रुपए जाएंगे और रुपए से डायरेक्ट रुपए बुक करके फिर जाएंगे। रुपए का 150 रुपए लगता है। हाँ हाँ पैदल में कितना समय लगता भैया? पैदल में 1 घंटा लगेगा, 1052 सीढ़ी है। मगर सही वो तो सही मतलब मन्नत तो वही रहेगी ना पैदल वाली? हाँ। तो गाइस कमेंट में बताएं पैदल जाए कि रूपवे से जाए। अब आपकी इच्छा है, मैं क्या बताऊंगा आपको, पैदल जाना पैदल चले जाए, झूले जाना झूले चले जाइए, वो तो है आप। वो आपके ऊपर निर्भर हाँ। करता है, वो हमारी जनता बताएगी ना, जनता देखती है ना हमें, वो बताएगी कमेंट में। हाँ यार पास ही होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। हाँ आ चुके हैं। हाँ मौसम भी बहुत शानदार हो रहा है, ऊपर दिख रहा होगा। तो चलते हैं अभी देखते हैं आगे क्या कहानी है। तो आ गए हैं, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर, दिख रही होगी पीछे, और मौसम बहुत शानदार है। नहीं भैया ले लिया। यहाँ पर आपको बहुत लोग दिख जाएंगे प्रसाद देते हुए और माथे पे बांधने वाली पट्टी देते हुए, मगर इसे अच्छे से रख सको तो ही लेना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है लेने से, आप फेंक दो उसे, उससे पाप आप ही को लगेगा। तो हाँ गाइस बहुत देर से इंतजार कर रहे थे रूपवे स्टार्ट होने का, मतलब हमारा नंबर था 570, तो अभी चल रहा है 530, तो मतलब अभी आने वाला है नंबर। तो अभी मैं आया था, छोटी मतलब चिंकी को जानते ही हो आप, मतलब छोटी बहन मेरी, उसके लिए थोड़ा सा मतलब कंगन अंगन हो, उसने बोला था मुझे भैया लेकर आना, तो लेने आया था। तो अब जा रहा हूँ यहाँ से वापस, क्योंकि अब भी अनाउंसमेंट सुना मैंने तो 430 नंबर चल रहा है। तो अभी चलते हैं रूपवे में, बैठते हैं ऊपर, चलते हैं तो दर्शन करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दिखाते हैं, दर्शन दिखाएंगे पहले तो आपको, फिर नीचे आके फिर निकलेंगे घर की तरफ। अभी तो चलते हैं, तो मिलते हैं आगे। फाइनली रूपवे के पास पहुंच गए, मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा रूपवे का। तो अभी जा रहे हैं, नंबर लग चुका है, अभी यहाँ पर भी लाइन में लगना पड़ेगा, दिखाते हैं आपको। यहाँ इतनी सारी लाइन है, अभी 3-4-5 लाइनें पार करनी पड़ेगी, फिर जाकर नंबर लगेगा। तो लगते हैं पहले लाइन में और फिर पहुंच के ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं।
फाइनली रोपवे का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। ऊपर आ गए, यहाँ पीछे पूरा इनसाइड बना हुआ है, यहाँ ऊपर आ चुके हैं, अभी रोपवे से भी उतर गए हैं और अब जाते हैं नरसिंह पार्क। पीछे दिख रहा होगा मंदिर है, वहाँ जाना है हमें, पीछे वहाँ मंदिर है, तो चलते हैं। और अंदर तो वैसे मोबाइल अलाउ नहीं है, बट चलते हैं देखते हैं, अगर अलाउ होगा तो दिखाते हैं, नहीं तो फिर यहीं दो तीन वीडियो बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी मिलते हैं अंदर। तो फाइनली हो गए हैं दर्शन अंदर, यहाँ से दिख रहे हैं निकले हैं, निकासी लिखा है, और यहाँ से दर्शन करके बाहर आ गए। और यहाँ से थोड़ा व्यू दिखाएं आपको, क्योंकि मौसम बहुत शानदार हो रहा है, तो व्यू दिखाते हैं पहले, फिर व्यू चेक कीजिए पहले। तो दर्शन हो गए बढ़िया से, और जैसे भी तैसे हुए अच्छे से हो गए, और प्रसाद भी चढ़ा दिया। अब इसके बाद नीचे जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऊपर दिख ही रहा होगा, तो मौसम को देखते हुए जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो चलते हैं पहले नीचे, फिर देखते हैं। और दर्शन हो गए हैं, अब ऊपर अंदर मोबाइल चलाने नहीं देते, नहीं तो आपको दिखाते मैं अंदर का कहानी कैसे क्या है, जब दर्शन दिखाते। तो अभी चलते हैं नीचे, भी आना पैर थोड़ा सा, आजू बाजू से ऐसा व्यू है बहुत ही शानदार सा कुछ है।